हेलो हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू काइंड ऑफ कोरोना वायरस, इसका नाम है नियोकोव। तो निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ताओं ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस जिसका नाम नियोकोव है की खोज करी है दोस्तों। ऐसा खोज दोस्तों चाइना ने करी है। आपको पता है चाइना के ही सारे के सारे वायरस निकल रहे हैं, तो चाइना की राजधानी दोस्तों बीजिंग है और शी जिनपिंग यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। रिसर्चर्स फ्रॉम IIT जोधपुर हैव डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन टू डायग्नोस COVID-19। ठीक है, IIT जोधपुर ने ये करा है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, जो इन्होंने रिलीज करी क्या, कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप ऑन COVID-19 वैक्सीन टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इंडिया नेशनल COVID-19 वैक्सीन प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों नवंबर 29, 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्लासिफाई करा था नया COVID-19 वेरिएंट, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, ओमिक्रॉन। याद रखिए इसका वैसे ये नाम है B11529, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओमिक्रॉन रखा था किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, और ये जो ओमिक्रॉन था ये सबसे पहले कहां रिपोर्ट करा गया था, साउथ अफ्रीका में। याद रखिए, पूछा जा सकता है कि ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, सबसे पहले कौन से देश में डिस्कवर करा गया था, तो साउथ अफ्रीका में ये पाया गया था दोस्तों। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एस्टेब्लिश हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। याद रखिए 7 अप्रैल 1948 को, मतलब हमारे देश के आजादी के एक साल बाद एस्टेब्लिश हो गई थी दोस्तों। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस। और इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे, स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपॉइंट करा गया था कोविड वैक्सीन का एम्बेसडर, कहाँ पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नवंबर 2021 में ब्रिटेन ने अप्रूव करा दुनिया की पहली पिल ताकि कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए, याद रखिए कोविड-19 के सिस्टम्स को ट्रीट करने के लिए दुनिया की सबसे पहली पिल जो है UK ने लॉन्च करी थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द सेफ सिक्योरिटी टू गेट एन एंटरप्राइज वाइड व्यू ऑफ ओवरऑल साइबर रिस्क एंड प्रिडिक्ट ब्रीचेस। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने समग्र साइबर जोखिम के बारे में उद्यम व्यापी दृष्टिकोण प्राप्त करने और उल्लंघनों की भविष्यवाणी करने के लिए सुरक्षित सुरक्षा के साथ साझेदारी की है दोस्तों, किसने करी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन ए इंफोसिस लिमिटेड ने हाल ही में ये साझेदारी करी है दोस्तों। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं दोस्तों। इंफोसिस हैज लॉन्च्ड इंफोसिस इक्विनिक्स टू हेल्प एंटरप्राइज सिक्योरली डिलीवर हाइपर सेगमेंटेड पर्सनलाइज्ड ओमी चैनल कॉमर्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा द शेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजर इंफॉर्मेशन हिट अ रिकॉर्ड हाई ड्यूरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग व्हिच हेल्प्ड द कंपनी क्रॉस 100 बिलियन इन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, इंफोसिस की स्थापना दोस्तों 7 जुलाई 1981 में हुई थी और इसके CEO हैं सलील परेख हैं दोस्तों। इंफोसिस के हेडक्वार्टर बेंगलोर में मिलेंगे। ज्यादातर जो साइबर सिटीज वगैरह हैं, मतलब साइबर कंपनी वगैरह हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, ज्यादातर आपको बेंगलोर में ही मिलेंगे दोस्तों। इसलिए बेंगलोर को क्या कहते हैं, साइबर सिटी भी कहा जाता है मेरे ख्याल से। साइबर सिटी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो साइबर सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज और हैव गॉट द ₹7,309 करोड़ फॉर अंडरटेकिंग द स्टिपुलेटेड रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में निर्धारित सुधार करने के लिए ₹7,300 करोड़ दिए गए हैं दोस्तों। याद रखिए, बिजली क्षेत्र में सुधार करने के लिए किसको दिए गए हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी बोथ ए एंड वन एंड टू, यानी राजस्थान को और आंध्र प्रदेश को मिला के ये 7,309 करोड़ दिए हैं ताकि ये रिफॉर्म ला सके, किसमें, पावर सेक्टर में। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है दोस्तों। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हाल ही में रिलीज करी थी 5-year रोड मैप एंड विजन डॉक्यूमेंट 2.0 फॉर द इलेक्ट्रिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, याद रखिए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अडानी पावर लिमिटेड ने हाल ही में अप्रूव करा था अपॉइंटमेंट किसका, शेर सिंह बी खालिया का CEO के तौर पर, किसका, अडानी पावर्स का। याद रखिए, अडानी पावर्स के CEO कौन बने हैं, शेर सिंह बी खालिया। इसके अलावा दोस्तों स्टेट ओन पावर जनरेशन कंपनी जिसका नाम है NTPC लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 5% इक्विटी स्टेक इन पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है,
और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में साइन करा था एक एग्रीमेंट किसके साथ, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये आंध्र प्रदेश के जो भी फार्मर्स हैं उनको ट्रेन कर सके और उनको सिखा सके बेटर और गुड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। याद रखिए, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किसके साथ साइन करा था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा था दोस्तों, ठीक है। और फॉर्मर गवर्नर जो कि तमिलनाडु के फॉर्मर गवर्नर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूनिफाइड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश कोनिजीति रोशाई पास अवेद, याद रखिए दोस्तों, इनका हाल ही में निधन हो गया था दोस्तों। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हैज बीन नेम्ड द बेस्ट मैरीन स्टेट इन द कंट्री बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वी अनंत नागेश्वरन को हाल ही में, याद रखिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया था दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इनसे पहले कौन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आई होप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड राइटर जयतीरथ राव पॉपुलरली नोन एज जेरी राव हैज कम आउट विद अ बुक ऑन महात्मा गांधी टाइटल्ड इकोनॉमिस्ट गांधी द रूट्स एंड रेलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ महात्मा गांधी। याद रखिए ये बुक किसने लिखी है, याद रखिए किसने लिखी है, जयतीरथ राव, ठीक है, जिन्हें जेरी राव भी कहते हैं। इसके अलावा नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर शंकर आचार्य has authored a new book titled An Economist at Home and Abroad, A Personal Journey in November, ठीक है दोस्तों, ये भी बुक याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों फ्रेंच बॉर्न इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है पेरे ओलिवर, इनको हाल ही में अपॉइंट करा गया था क्या, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ किसका, IMF का, याद रखिए चीफ इकोनॉमिस्ट IMF के कौन बने हैं हाल ही में, पेर ओलिवर। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चीफ इकोनॉमिस्ट इससे पहले कौन थी दोस्तों, गीता गोपीनाथ, ठीक है, इनको अभी टेक ओवर कर लिया किसने, पेर ओलिवर ने, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज सेट अप न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस एट डैश बैंक नोट प्रेस, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने डैश बैंक नोट प्रेस में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित करी है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बोथ 1 और 2, देवास और नासिक में, याद रखिए अभी ये क्या कर रही है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देवास और नासिक में बैंक नोट प्रेस में नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइनें स्थापित करी है दोस्तों, याद रखिए। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। देर आर 4 बैंक नोट प्रेसेस, याद रखिए भारत में टोटल 4 बैंक नोट प्रेसेस हैं, 4 मिंट्स एंड 1 पेपर मिल इन द कंट्री, ठीक है। द गवर्नमेंट ओन्ड प्रेसेस आर एट नासिक जो कि वेस्टर्न इंडिया में है और देवास इन सेंट्रल इंडिया में है। द अदर 2 प्रेसेस आर मैसूर जो कि साउथ इंडिया में है और सलबोनी जो कि ईस्ट इंडिया में है। और कॉइन्स कहां पे मिंट होते हैं दोस्तों, कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द मिंट्स आर लोकेटेड इन मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। याद रखिए जितने भी आपके पास सिक्के वगैरह होते हैं वो इन 4 जगहों पे ही बनते हैं, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू एडवांस्ड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेट अप अंडर द सेकंड फेज ऑफ द कैपिटल गुड स्कीम नोटिफाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पूंजीगत सामान योजना के दूसरे चरण के तहत कितने नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 4 नए, याद रखिए, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करे जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन टू डायग्नोस कोविड-19, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के निदान के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान विकसित किया है दोस्तों। ऐसा करा है IIT जोधपुर ने, याद रखिए IIT जोधपुर इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस विल बी डेवलप्ड एज विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम द इजरायली गवर्नमेंट, तो इजराइल सरकार से तकनीकी सहायता से भारत में कितने गाँव को उत्कृष्टता के गाँव के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 150 विलेजेस, याद रखिए हम लोग 150 विलेजेस को Villages of Excellence develop करेंगे और ये कौन मदद करेगा develop करने में, इजराइल, ठीक है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, यहाँ के PM नेफ्तले बेनेट यहाँ के PM है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कुछ additional information देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में इजराइल और US ने मिलकर
एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट करी थी, किसका? एरो वेपन सिस्टम का एंड द एरो 3 इंटरसेप्टर का दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा इट इज डिजाइंड टू इंटरसेप्ट, ये जो एरो है, एरो वेपन सिस्टम, ये डिजाइन करा गया है टू इंटरसेप्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स आउटसाइड ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इजराइल एंड मोरक्को साइंड अ लैंडमार्क एग्रीमेंट ऑन 24 नवंबर 2021 दैट लेज फाउंडेशन फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड फ्यूचर आर्म्स सेल्स, ठीक है दोस्तों। इजराइल की कैपिटल मैं बता चुका हूं, जेरूसलम है। यहाँ की करेंसी दोस्तों याद रखिए इजरायली शेकेल है, और प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बनते हैं, प्रेसिडेंट दोस्तों है आइजाक हर्जोग दोस्तों, ठीक है। एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, जब इसराइल नया नया देश बना था दोस्तों, तो इजिप्ट वॉज द फर्स्ट अरब नेशन टू साइन अ पीस डील विद इसराइल इन 1979। मोरक्को इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न अफ्रीका, कैपिटल इज राबात एंड इट्स करेंसी इज मोरक्कन दिरहम, ठीक है दोस्तों। मोरक्को की कैपिटल आपको पता चल गई ना, राबात है, और इसकी करेंसी क्या है? मोरक्कन दिरहम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज बैग्ड द फर्स्ट प्राइज इन कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो निम्नलिखित में से किस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्ट्रीट स्टूडेंट। याद रखिए ये शॉर्ट फिल्म है, तेलुगु शॉर्ट फिल्म है, और इसी ने हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू डेवलप ONGC's 350 किलोमीटर सब सी पाइपलाइन इन इंडियाज वेस्ट कोस्ट, तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पश्चिम तट में ONGC की 350 किलोमीटर उप समुद्री पाइपलाइन विकसित करने का अनुबंध हासिल किया है दोस्तों? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लार्सन और टूर्बो। याद रखिए ये 350 किलोमीटर की जो सब सी पाइपलाइन है इसको डेवलप करेगा दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं लार्सन एंड टूर्बो, ठीक है दोस्तों। मेजर एनर्जी मेजर ऑयल एंड नेचुरल कॉर्पोरेशन, जिसको शॉर्ट में ONGC कहते हैं, ऑन January 3rd अपॉइंटेड अलका मित्तल एज इट्स फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। याद रखिए अलका मित्तल जो है ONGC की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है दोस्तों, ठीक है। ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली में मिलेंगे। इसके CEO कौन है? सुभाष कुमार। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फाउंड करा था कब? 14 अगस्त 1956 में। याद रखिए 14 अगस्त 1956 में ONGC की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय गायक की किस जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृत फाउंडेशन का शुभारंभ किया है दोस्तों? दोस्तों इनकी ये बर्थ एनिवर्सरी थी 92nd, और इसी की उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन ले करी है दोस्तों, ठीक है 92nd। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग को-चेयर्ड द सेकंड एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग अलोंग विद म्यांमार्स मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एडमिरल टिन ऑंग सांग, तो निम्नलिखित में से किसने म्यांमार के परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिन ऑंग सांग के साथ दूसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की सह अध्यक्षता की है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, दीवू सिंह चौहान ने हाल ही में, याद रखिए, दूसरी एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग की चेयर करी है दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कौन है, दीवू सिंह सिन्हा, ये है दोस्तों हमारे क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन। याद रखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन कौन है? दीवू सिंह चौहान, ठीक है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, जिसे शॉर्ट में एशियान कहते हैं, क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं, ठीक है। वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 8 अगस्त 1967 कहां पे? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों, ठीक है। विद द साइनिंग ऑफ एशियन डिक्लेरेशन, जिसमें एशियन डिक्लेरेशन, जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ एशियान, नेमली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये सारे एशियन देश में आते हैं दोस्तों। एशियन का मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, याद रखिए वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ये एशियन का मोटो है। आसियान डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 8 अगस्त, क्योंकि 8 अगस्त को स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज कंक्लूडेड फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौरे की वार्ता संपन्न की है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। आपको पता है यूके जो था पहले यूरोपियन यूनियन का पार्ट था,
तो हमने यूरोपियन यूनियन के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा था बहुत पहले, लेकिन अब जब यूके बाहर हो गया यूरोपियन यूनियन से, तो हम लोगों को यूके के साथ फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, यूके की राजधानी लंदन है, याद रखिए, बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम है। ठीक है दोस्तों, बोरिस जॉनसन यहाँ के पीएम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लंदन कैपिटल है और यहाँ की करेंसी क्या है, पाउंड। ठीक है दोस्तों, और इंडिया के हाई कमिश्नर कौन है यूके में, गायत्री इसार कुमार, याद रखिए, गायत्री इसार कुमार हाई कमिश्नर है। हाई कमिश्नर दोस्तों उन देशों में होते हैं, वैसे देखिए एम्बेसी कहा जाता है और हाई कमिश्नर कहा जाता है। हाई कमिश्नर दोस्तों उन देशों में एस्टेब्लिश करते हैं जो पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, याद रखिए, जो देश यूके के गुलाम थे उन देशों में भारत की क्या मिलेगी आपको, हाई कमिश्नर। ये इंटरव्यू में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स हैज रिलीज्ड इट्स विजन डॉक्यूमेंट ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान अंडर मिशन कर्मयोगी इन न्यू दिल्ली। तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण योजना का अपना विजन दस्तावेज जारी करा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ये अपना क्या, अपना विजन दस्तावेज जारी करा है, याद रखिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर कौन है, पशुपति कुमार, याद रखिए, पशुपति कुमार पारस। ठीक है, जो रामविलास पारस के, जिनका हाल ही में पिछले साल निधन हो गया था, उनके भाई हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स हैज वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी वुमेन्स एशिया कप। हॉकी महिला एशिया कप में निम्नलिखित में से किस टीम ने कांस्य पदक जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडिया। काफी लोगों को पता नहीं होता हॉकी के बारे में, क्रिकेट में घूमते रहते हैं, लेकिन हॉकी ने हाल ही में, याद रखिए, ब्रॉन्ज मेडल जीता किसमें, हॉकी वुमेन्स एशिया कप में, इंडिया ने। ठीक है, ठीक है, और ये कहां पे हुआ था दोस्तों, ये हुआ था ओमान की राजधानी मस्कट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज साइंड अ डील विद द लीडिंग इंडियन बॉक्सिंग प्रमोटर मुजताबा कमाल एंड ग्रासरूट बॉक्सिंग प्रमोशंस एंड मैनेजमेंट। तो निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भारतीय बॉक्सिंग प्रमोटर मुजताबा कमाल और ग्रासरूट बॉक्सिंग प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन सरजू बाला देवी ने, याद रखिए, सरजू बाला देवी, ऑप्शन डी, आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट, ग्लोबल गोल्ड डिमांड हैज राइजन बाय व्हाट परसेंटेज इन 2021। तो गोल्ड डिमांड ट्रेंड्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ी थी दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 10%, याद रखिए 2021 में गोल्ड की मांग बढ़ी थी। ठीक है, आप देख सकते हैं 10%। अबाउट द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज द मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे, लंदन यूके में। ठीक है, इट हैज ऑफिसेस, कहाँ पे इसके ऑफिसेस हैं, इंडिया में ऑफिसेस मिल जाएंगे, चाइना, सिंगापुर, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स में इसके ऑफिसेस हैं, किसके, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनाल लॉक हैज बीन अनवील्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े नहर के ताले का अनावरण किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर है क्या, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीदरलैंड में, याद रखिए, नीदरलैंड में सबसे बड़ा जो कैनाल लॉक है एस्टेब्लिश करा गया दोस्तों। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी दोस्तों एम्स्टर्डम है। क्या, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड को ही दोस्तों हॉलैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉलैंड, याद रखिए। इसकी करेंसी यूरो है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और यहाँ के हमारे एम्बेसडर कौन है दोस्तों, प्रदीप कुमार रावत, याद रखिए, भारत के एम्बेसडर नीदरलैंड में कौन है, प्रदीप कुमार रावत। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कम अप विद द न्यू बुक टाइटल द डॉलर 10 ट्रिलियन ड्रीम। तो निम्नलिखित में से कौन द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक नई पुस्तक के पुस्तक लेकर आया दोस्तों, किसने ये बुक लिखी है, सिंपल सी भाषा ये है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सुभाष, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र गर्ग, याद रखिए, सुभाष चंद्र गर्ग की ये बुक है, कौन सी दोस्तों, ये क्या, द टेन डॉलर ट्रिलियन ड्रीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज डिसाइडेड टू बाय 1.28% स्टेक इन भारतीय एयरटेल। तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गूगल, यानी गूगल, याद रखिए दोस्तों, भारतीय एयरटेल में 1.28% का स्टेक खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड बाय इंडिया टुवर्ड्स यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट असेसमेंट फॉर द ईयर 2022। तो वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट निर्धारण के लिए भारत द्वारा कितनी राशि का भुगतान किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 29.9 मिलियन हम लोगों ने
दिया है बजट के लिए, किसके बजट के लिए, संयुक्त राष्ट्र निर्मित बजट निर्धारण के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। तो भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। गुरुग्राम जो कि कहां आता है, हरियाणा में। ठीक है, याद रखिए। और दिल्ली में अभी हाल ही में दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक बस भी लॉन्च करी गई थी, याद रखिए, इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करी थी सीएम, दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन इज सेट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ द कंट्री। तो ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, याद रखिए, त्रिशूर। त्रिशूर कहाँ है, केरला में। यहाँ पे एस्टेब्लिश करा जाएगा क्या, फर्स्ट इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। ठीक है, त्रिशूर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मोबाइल ऐप ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई भारत की संसद के आधिकारिक मोबाइल ऐप का नाम क्या है। इसका नाम है दोस्तों डिजिटल संसद ऐप, याद रखिए, डिजिटल संसद ऐप, इसको ओम बिरला ने हाल ही में लॉन्च करा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टू टाइगर रिजर्व्स हैव बीन जॉइंटली अवार्डेड T22, मतलब टाइगर को डबल करने का ये अवार्ड था 2022. If one of them is Bardia National Park from Nepal, then name the Indian Tiger Reserve to back the award. तो दो बाघ अभ्यारणों को संयुक्त रूप से 2022 के लिए TX2 नहीं है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई T multiply 2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि उनमें से एक नेपाल का बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान है तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भारतीय बाघ अभ्यारण का नाम बताइए दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी टाइगर की संख्या जो है काफी बड़ी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, याद रखिए, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को भी T multiply 2 अवार्ड दिया गया है दोस्तों। ये इनिशिएटिव क्या था दोस्तों, ये इनिशिएटिव था टाइगर की संख्या को डबल करने का इनिशिएटिव था। क्यों, क्योंकि टाइगर की संख्या बहुत ज्यादा घट रही थी, तो एम रखा था कि 2022 तक टाइगर की संख्या को डबल करेंगे, और भारत ने एक्चुअली डबल को भी ज्यादा क्रॉस कर दिया, भारत ने काफी जो है टाइगर की संख्या बढ़ा दी है दोस्तों। ठीक है, तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में, याद रखिए, ये भी दोस्तों तमिलनाडु में है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।